Assalam guys, welcome back to another video. Assalamu alaikum guys, welcome back to another video, another vlog. तो जी काफी ज्यादा comments ये थे, अब सारे नहीं बोलते लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यार स्किन केयर रूटीन बता दें, बिकॉज आपकी एक्ने बहुत ज्यादा थी. सो माई स्किन हैज ऑलवेज बिन एक्ने प्रोन एंड हर वक्त बल्ब निकल आते थे और फिर बल्ब चले भी जाते थे और मेरे टीनेज तो सारा इसी में गुजरा है. आई डोंट थिंक कि मैंने इस्लामाबाद का कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट छोड़ा है. एंड फिर मुझे एक फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट मिली हु इज नॉट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बट अ स्किन एंथुजियास्ट. तो बेसिकली आई हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस. या आई हैव ट्राइड एवरीथिंग ऑन माय स्किन एंड एक्सट्रैक्टेड द बेस्ट. तो सीन ये था कि मेरी स्किन एक टाइम पे बहुत अच्छी हो गई थी. आई डिड नॉट नीड टू डू एनीथिंग एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप रात को सोने से पहले या बाहर से जब भी आते हैं फेस वॉश के साथ मुंह धो लें तब आपका काम बिल्कुल गेस हो जाता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं करते. तो जी फुल फ्लेज फाइव स्टेप 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन करनी पड़ती है लड़कियों को. तो अब सीन ये है, ठीक है. अब चीज़ें क्या होती है, ए बी सी डी वाला कोई सिरम और वो ही वाला हाइलुरोनिक एसिड और इस तरह की चीज़ें. खैर अब इस तरह की जो चीज़ें हैं जब आपने करनी है तो अब मुझे तो पता नहीं है यार. देखो मुझे फेस वॉश के अलावा मुझे तो क्लेंजर फेस वॉश भी अब पता लगेगा कि अच्छा क्या होता है. तो अब अनिया टेक ओवर करेगी, बताएंगे कि मैम कि अच्छा मेरी स्किन पे क्या है. एंड अभी अभी अगर आप वैसे यू आर वेरी क्विक टू जज, तो भाईजान मैंने दाढ़ी नहीं बनाई हुई. तो जब दाढ़ी नहीं बनाई होती मुंह पे ना ये इस जगह पे बाल हैं. सो जब बाल होते हैं तो आपको जरा स्किन अनटाइडी लगती है, ऐसा लगता है कि स्किन खराब है, बट एक्चुअली स्किन खराब नहीं होती. दाढ़ी नहीं बनी होती, अनटाइडी लगता है, ऊपर से यहाँ पे छोटे छोटे बाल आते हैं. सो यू नो वो पार्ट को इग्नोर करके स्किन रिलेटिवली बहुत बेहतर हो रही है. तो मैडम बताएं कि आपका ये जो यहाँ पे बुफे लगा हुआ है. लेट्स टेक यू टू माय स्किन केयर हेवन. एज यू कैन क्लियरली सी मुझे ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, आई एम अ बिग फैन. अच्छा अली के लिए जो है ना मैंने कंस्ट्रक्ट की है एक डिफरेंट स्किन केयर रूटीन फॉर डिफरेंट डेज, ठीक है. अब क्योंकि इसकी स्किन बहुत एक्नी प्रोन है, लाइक इतनी एक्नी प्रोन कि आज जिम से आके मुंह धो लेगा पानी से साबुन लगाना भूल जाएगा ना तो कल इसके मुंह पे इतना बड़ा यहाँ दाना निकल आएगा, लाइक इट्स दैट एक्नी प्रोन. सो आई हैव पर्सनल रिव्यूज पे इंटरनेट पे और ये सारी, बिकॉज मेरी स्किन तो एक्नी प्रोन नहीं है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है. बचपन में बहुत एक्नी होती थी, मैंने बहुत एक्सटेंसिव एक्नी ट्रीटमेंट्स किए, उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है. तो आई मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ड्राई स्किन के लिए, बट मैंने स्पेशली अली के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीद के रखे हैं फॉर हिज. वो तो खैर 3 दिन की स्किन केयर रूटीन है, वो मैं अलग अलग करती हूँ. एक जो है रूटीन वो 2 दिन हफ्ते के, एक रूटीन 2 दिन और एक 3 दिन. अब आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, आज हम लोग करते हैं, आई एम कंफ्यूज्ड. खैर मैं आपको बता देती हूँ, तीनों बता देती हूँ कौन सी. सो फेस वॉश ऑन ऑल 3 डेज स्टेज द सेम. फेस वॉश जो है वो मैं अली के लिए लाई थी सेरावी का एक्नी फोमिंग क्लेंजर वॉश, विच हैज़ वर्क्ड वेरी वेरी वेल फॉर हिम. सो आई गॉट हिम 2. मैंने 2 ही ला के रख दिए थे ताकि कभी ख़त्म ना हो. यार एक चीज़ समझ नहीं आती, चीज़ें इतनी महंगी होती है, अफोर्ड कैसे करता है बंदा 4,000 रुपए का फेस. 4,000 यार, 4,000 रुपए का यहाँ पे मिलता है ना, दैट्स द प्रॉब्लम. बट तो हम तो नहीं यूज़ करते ना, 4,000 रुपए का आप फेस वॉश. गोज अ लॉन्ग वे. फिर अनिया मुझे बोलती लारोश पोस से न्यूट्रोजीना का सनब्लॉक, मैंने कहा 1,000-1,500 रुपए का होगा, कितने का होगा न्यूट्रोजीना, कितने का था 4,200 रुपए. यार हद हो यार, इतना बड़ा है, बहुत लंबा अच्छा चल जाता है. लुक एट दिस, दिस इज द वन आई यूज. Did you not tell me कि ये ज़्यादा नहीं चलते, मतलब 80 मिनट इनका efficacy होती है. हाँ, you have to apply them every 2 hours. तो जब दिन में 4 दफा लगा रहे हैं. अच्छा चलो moving on to the skin care. So मैंने जो 3 holy grail products हैं ना, like उसके around revolve करने वाले तो बहुत से products हैं, but जो holy grail अली के 3 products हैं वो है number one. ये है सेरावी का resurfacing retinol serum. आप लोगों ने आजकल retinol is going crazy. आज हम रेटिनॉल वाले कह रहे हैं? अब मैं भी सोचती हूँ. आजकल रेटिनॉल इज गोइंग क्रेजी इन द मार्केट. इट्स बेसिकली विटामिन ए का डेरिवेटिव एंड इसके जो ना बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं फॉर एजिंग हो गया, फॉर ब्लेमिशेस हो गया, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. सही है, मैं इसलिए नहीं यूज़ करती बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राई कर देता है स्किन को, लाइक ऐसे मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई. दूसरा जो है ना हमारा है ऑर्डिनरी का आहबहा पीलिंग सोल्यूशन. सही है, ये मैंने अभी तक अली पे ट्राई नहीं किया एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू ट्राई दिस टुडे. ये बेसिकली केमिकल एक्सफोलिएंट है,
ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आप जो है लगाते हैं मुंह पे, आप इसको 10 मिनट्स छोड़ते हैं, धो लेते हैं, एंड इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन वेरी नाइसली. बहुत स्ट्रांग है, इट कैन इरिटेट योर स्किन, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांग. तो इसको आपने बहुत केयरफुली यूज करना है. इसके साथ सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो है वो हमारा है ये सेलिसाइलिक एसिड का मास्क है. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एक्नी. ये भी ऑर्डिनरी का सही है. वट आई लाइक अबाउट ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स आर दैट देर वेरी रीजनेबल, इवन इम्पोर्ट करने के बाद भी बहुत इकनॉमिकल पड़ते हैं. लाइक ये जो सिरम्स हैं ये 3,000 to 4,000 रुपीज़ के होते हैं एवरेज, और ये 3 महीने आराम से चल जाते हैं, आराम से. खैर, फॉर द अहा बहा यू आर नॉट सपोज टू यूज़ दिस मोर देन वंस इन 10 days इफ़ यू आर बिगेनिंग जस्ट नाउ. आपकी जैसे जैसे उससे डिवेलप हो जाती है, यूज़ टू हो जाते हैं. रेटिनॉल हम लोग अली के लिए यूज़ करेंगे ओनली 3 times a week, और मास्क जो है हम लोग यूज़ करेंगे 2 times a week. ठीक है, तो अब फाउंडेशन प्रोडक्ट्स जो है ना वो ये हैं. आप इनी मिनी माइनी मो करके चूज़ कर लें आपको आज कौन सा कराना है. क्या मतलब दो चूज करने हैं? एक चूज करना है. मुझे क्या पता यार, लेट्स ट्राई दिस. ओके ओके, इट्स अ लिटिल स्केरी बट लेट्स ट्राई. जलन होती है? जलन इन द सेंस हो सकती है कुछ लोगों को नहीं हो सकती, बट इसके रिजल्ट्स अपेरेंटली बहुत प्रॉमिसिंग है. तो आज ये करते हैं, आज हम लोग सैलिसाइलिक मास्क. हमारे ड्रेसिंग टेबल का एक थोड़ा सा शशका भी है कि हमारे पास यहाँ पे लाइट लगी हुई है, मतलब वो इतनी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन यार इज्जत ये होता है जब आप किसी को दिखा रहे हो ना कोई चीज. तरीका होता है ना, तरीका होता है हर चीज का. तो ये हमारी एक अच्छा विटामिन सी जो है वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर एवरीवन. अली के लिए तो खास तौर पे बहुत अच्छा. मैं भी क्या लगा रहा हूं, हम अभी आज आहा बहा तो वो जो तुम करती हो वो वाले स्प्रे और फिर ये फिर स्टेप. नहीं, आज हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. आज आप जाके अपना मुंह धो के आएंगे विद द सेरावी. मैं उसकी भी शक्ल दिखा देती हूं. तो दिस इज द सेरावी का एक्ने फोमिंग क्रीम क्लेंजर. इससे आप जाके अपना मुंह धो के आए एंड देन हम प्रोसीड. मैं आया मुंह धो के, बल्कि आप साथ ही आ जाए यार. ये थोड़ा ना महंगा, तो थोड़ा निकालते हो जरा, मुझे वो होती है उलझन, बट आई थिंक इतना बहुत है. अच्छा, मैं पहले क्या करता था, मैंने निकाला और मैं लगा लेता था. अन्य ने मुझे बोला नहीं तुमने करना है इसको यूं एंड यूं. मैंने कहा ओके एंड देन यूं एंड यूं. सो बेसिकली कवरिंग द फेस लाइक दिस. अब आई डोंट नो कितना अच्छा कर रहा हूँ, बट ओके टाइम टू वॉश. आई थिंक वी डन विद वॉशिंग द फेस. चलें जी. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा जी, आई शुड ड्राई माई फेस, राइट? यस. लाइफ इज सो सिंपल व्हेन यू आर अ सिंगल मैन. अब साबुन से मुंह धोएं, काम खत्म. जानो फायदा किसका हो रहा है इसमें? नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं ना, बाद में आपको 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन करनी पड़ती है. ओके, तो हम लोग अब ये लगाएंगे आहा बहा. ये 10 मिनट्स की इसकी दोबारा से बता दो. AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन है ये, ऑर्डिनरी का. ये रेड कलर का होता है. इसकी 10 मिनट्स की लिमिट होती है, बट सिंस दिस इज अलीज फर्स्ट एवर टाइम यूजिंग इट, आई एम गोइंग टू सेट इट टू 8 मिनट्स और 7 मिनट्स. सो पर्टिकुलर की ये देखें, खोल के बैठी हुई है. बिल्कुल, तो आई एम गोइंग टू सेट इट टू 8 मिनट्स ताकि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो जाए ज्यादा टाइम से. जलन तो नहीं होगी? थोड़ी सी. जब भी से हो रही है? अभी लगा कहाँ है कुछ? हाँ, प्लेसिबो का. ओके, क्या है? जल रहा है थोड़ा थोड़ा यार. ये क्या है? ऐसा लग रहा है मैंने आफ्टर शेव लगा लिया. चलो एटलीस्ट तुम्हें आदत, लेकिन आफ्टर शेव तो फौरन असर करके चला जाता है. ये कितनी देर तक होगा दर्द? यू गेट यूज्ड टू इट, स्टॉप वाइनिंग. सर्वे से खून निकल रहा है यार. डोंट टच इट. खारिज हो रही है? डोंट टच इट. टिश्यू नहीं लगाना भाई. इरिटेशन हो रही है, ये नहीं यूज करना है. पैसे दे के टॉर्चर किया, मुफ्त में भी हो जाता है टॉर्चर. हम पैसे क्यों दे रहे हैं लड़के? ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो कसम. आई स्वेर, जैसे छोटी 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 नीडल्स आपको चुभ रही हो ना, वैसे हो रहा है. अ टाइमर हैज बिगन. खिचच. आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस फॉर. तुम जितनी दफा अपना मलोगे ना मुंह पे, मैं और लगा. यार आई डोंट थिंक आई कैन टेक इट फॉर 8 मिनट्स. इट्स अ लॉट. इट्स ओके, इट विल गेट लाइटर इन अ व्हाइल. हाउ? चलो गाइस, अली थोड़ा सेंसिटिव है. अगर वो इतना शोर कर रहे हैं ना, तो आप एस्टिमेट लगा लें कि इसका 50% होता होगा. ओके, सो 5 seconds left. 3 seconds left. He was just whining. कितनी जलन रहती थी, बस सुकून से बैठा हुआ था ये सारा टाइम. सही है ना? तो अब आप जाके मूव हुए.
दोबारा फेस वॉश से? मैं नहीं, ऐसे बस पानी से मुंह धो लिया। नेक्स्ट स्टेप, रगड़ते नहीं है, टिश्यू के ग्रेन्स निकलते हैं। वैसे तो यू शुडंट बी यूजिंग अ टिश्यू टू ड्राई योर फेस। और कैसे करूं, फूंक मार के टॉवल से? तो यू कैन सी दैट हिज स्किन ऑलरेडी लुक्स लाइक अ लिटिल ब्राइटर। ठीक है, अब हम लोग ग्लो रेसिपी का एवोकाडो सूदिंग सीरम लगाएंगे। ये रिकवरी सीरम, इसमें सेरामाइड है, इट्स वेरी गुड फॉर रेडनेस, सेंसिटिव स्किन। मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज दिस वॉज अ पोटेंट लाइक अ कंपैरेटिवली हार्शर ट्रीटमेंट। तो अब हम जरा सूदिंग करेंगे सीरम से। स्टॉप टचिंग योर स्किन। इससे जलन होगी? नहीं, इससे सूदिंग होगी। रुक कर यार, उन्हें टॉर्चर में डाल दो। तुम बदले ले रही थी ना लड़ाई के? कौन सी लड़ाई हुई हमारी? जो भी कभी जिंदगी में लड़ाई होगी उनके बदले ले रही थी ना मुझे लगा के। आहा बहा। तुम्हें कैसे पता चला? तो मजा आ गई थी तुम्हारी लड़की पे। यार आदमियों के मुंह पे कितना कम प्रोडक्ट लगता है, आते मुंह पे तो दाढ़ी होती है। दाढ़ी वाली साइड पे नहीं लगाना होता? पता नहीं, मुझसे लाइक लगा भी ले तो सारा बालों में ही लग जाता है फायदा। अब इसको सुखाना है? यस, अब हम इस सीरम को वेट करेंगे कि वो थोड़ा ड्राई हो जाए बिफोर वी गो टुवर्ड्स आवर मॉइस्चराइजर। कितनी देर? बस इसके बाद एक और चीज है। नहीं, इसमें कितनी देर है? 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स टाइमर लगाना है या ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी बस थोड़ा ड्राई हो जाए, पहले ड्राई हो जाए तो पहले लगा लेंगे। सो आवर लास्ट स्टेप इज द टाचा इंडिगो ओवरनाइट रिपेयर क्रीम। आई एम यूजिंग दिस फॉर अ मॉइस्चराइजर। आप इसकी जगह कोई भी मॉइस्चराइजर, तो मुझे नाम बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इसकी जगह कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। न्यूट्रोजीना का वाटर जेल आता है, दैट इज अ नाइस मॉइस्चराइजर, अफोर्डेबल टू। और कौन सा है लोकल में? आप बेसिकली कोई भी मॉइस्चराइजर, फिजियो जेल इज वेरी वेरी नाइस, फिजियो जेल इज ऑल्सो वेरी गुड मॉइस्चराइजर, आप वो यूज कर सकते हैं। ये मैं तुम्हें अपना लगा रही हूँ। हाँ, तो मतलब वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं और कोई, इसलिए मैंने सोचा तुम मतलब फिजियो जेल इज फाइन टू। फिजियो जेल इज वेरी नाइस, यस। फिजियो जेल क्योंकि वो मेडिकेटेड है, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ फिजियो जेल। अच्छा, ये कितने दिन करनी होती है? ये वाली जो हम लोगों ने किया आहा बाहा वाली, ये तो वंस इन 10 डेज। अब नेक्स्ट कल जो हम लोग करेंगे हम रेटिनॉल। अच्छा, सनस्क्रीन इज आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन, जब आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स यूज करो या जब ना भी यूज करो, फॉर एवरीवन सनस्क्रीन इज सो 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 इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, 1, 2, 3, 4, मैं 5 दिखाऊँ? हाँ, 5 यहाँ, 6 भी, 5, 6, 7, नहीं सेम है, एंड फाइनली 8। सो सनस्क्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेजर कॉज जो एजिंग का होता है ना, वो सन एक्सपोजर होता है विदाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कुछ भी ना करें आप, सिर्फ सनस्क्रीन भी लगा लेना, यू आर गुड टू गो। सो दैट वाज इट फॉर आवर स्किन। यस, यू कैन इच नाउ, बट ट्राई नॉट टू टच योर स्किन टू मच, दैट्स आल्सो कॉज ऑफ एक्ने। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर आवर स्किन केयर रूटीन। अच्छा, रीसर्फेसिंग वाला? नहीं, वो रेटिनॉल। ये स्किन अच्छी करने वाला है? ये स्किन अच्छी करने वाला, ये एक्सफोलिएंट है, ये आपके सारे डेड सेल्स निकालेगा, टॉप लेयर पील करेगा, अच्छी से आपकी स्किन बाहर निकालेगा। तो ये सारे इसके कल हम लोग लड़कियों के साथ, तो मेरी सारी सिंपैथी है भाई, बड़ा मुश्किल काम है और इतना बजट निकालना यार। कल हम लोग रेटिनॉल करेंगे। ओके चलो, ठीक है ना, सो भी वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाएं। दैट वाज इट? यस, दैट वाज इट। श्योर? श्योर। ओके, इसके बाद कोई जलन वाला स्टेप तो नहीं? कुछ भी नहीं है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स में बताइएगा। एंड या, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के अपने ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज। एंड इफ यू हैव एनी स्किन केयर क्वेश्चंस, मेरे आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरी नॉलेज में जितना कुछ है आई विल आंसर देम इन द कमेंट्स इंशाल्लाह। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।